11 अप्रैल 1967 की पहले पेज के मध्यम जो बात चल रही थी, बाप आकर तुमको देहिए मनी बनाते हैं और जो भी दे रहा है गर्म गुरु होता दे है जिमानी बना वो तो और उल्टा उल्टा ज्ञान बना बता देते हैं। तो ये बात ही आकर के समझाते हैं कि तुम बच्चे हो, वेद के बाप के बच्चे हो, वेद का बाप तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है और तुम वेद के बच्चे बिंदु आत्मा हृदय के बच्चे अपन को देह समझते हैं, देह अभिमानी होते हैं, उनका बाप भी देह अभिमानी होता है। तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं कि रूह क्या है और देह क्या है। देह का तुमको मतलब तुमको वेद के बाप से मिलता है और हद का मतलब हद के बाप से मिलता है। ये वेद का नाटक है ना, ये 5000 वर्ष का नाटक अभी पूरा हो गया और ये नाटक अथवा ड्रामा कहूँ ये कोई ने बनाया नहीं है, बना बनाया है, अनादि ड्रामा है। कोई तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ तो बताना पड़ेगा कि तुम अनादि है, इनका आदि मध्यंत नहीं होता। पुराना सो नया होता है, नया सो पुराना बनता है। तो ये पाठ बच्चों को तो पक्का होगा, तुम जानते हो ये नई दुनिया कब बनती है और पुरानी दुनिया कब होती है। कजुग है पुरानी दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। और ये बातें भी कोई कोई बोलती है किसी बैठती नहीं है, बातें सारी किसी में रहनी चाहिए ना। तो जानते हो कि अभी नाटक पूरा होता है फिर उसी लोग जो शुरू में पार्ट बजाया था वही से भी पीट होगा। बरोबर हमारा 84 लोगों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाबा हमको ले जाने के लिए आया हुआ है, बाप गाइड भी है, तुम सब पंडे हो। वो पंडे लोग होते हैं यात्रियों को तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं ना, वो तो जिस्मानी पंडे जिस्म को खींच करके ले जाते हैं क्या, देह को खींच के ले जाते हैं, देह राज्यों को ले जाते हैं। तो कोई को ये नहीं कहते हो कि चलो तुमको तीर्थ यात्रा कराना है, आप क्या करते हो तुम उनकी आत्मा खींचते हो, ऐसा देह का ज्ञान सुनाते हो जो उनकी आत्मा खींचने के लिए मजबूर हो जाती है। तो तुम रूह की यात्रा कराने वाले हो, रूह यात्रा करके बाप के पास पहुंचने लगती है। तुम कोई जिस्म को नहीं खींचते हो, वो बच्चे क्या करते हैं अपनी जिस्माने खर्चे के पूर्ति के लिए जिस्मधारियों को खींच करके ले जाते हैं। कोई भी ये नहीं कहते हो कि चलो तुमको तीर्थ यात्रा कराना, उनकी आत्मा में स्वतः ही खींच हो जाती है इस बात की कि हम बाप से मिले।
तो वो जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव आया हुआ है। पांडव सेना हो ग्यारह अप्रैल कर्षक की वाणी का दिन प्रति, तो तुम सेना भी हो और पंडे भी हो, रूहानी सेना के वॉलेंटियर हो, रूहानी यात्रा पर ले जाने वाली पंडे, और तुम्हारी ये है पांडव गवर्नमेंट। परंतु दुनिया की गवर्नमेंट का पता नहीं है, ये गुप्त गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट और यादव गवर्नमेंट, ये सब यहाँ की बातें हैं, बाहर की दुनिया में भी है। कौरव गवर्नमेंट का राज्य चल रहा है, आई समाधि होती है, वो प्रजापरस्त होते हैं, प्रजा के प्रति उनका वो बहुत होता है। उन्होंने सबसे ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए, धर्म को नहीं मानते, कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। क्या अपेक्षा है? हमें वोट दे दो तो किसी भी धर्म को पालन करो। बाहर की दुनिया में भी ऐसे है और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। किसकी गवर्नमेंट है? कौरवों की गवर्नमेंट है। कौओं की तरह रब करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव भगवान है, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। न नया धर्म स्थापन होता है, न कोई नई राजधानी स्थापन होती। जैसे बाहर की गवर्नमेंट है, नेताएं हैं, भाषणबाजी करते हैं चले जाते हैं, ये भी भाषणबाजी करते हैं चले जाते हैं, कौओं की कौआ रेरा हो गया, जैसे कौए इकट्ठे हो जाते हैं, काव काव करते हैं और फिर बिखर जाते हैं। तुम पांडव गवर्नमेंट हो तो कौआ रेरा मचाने वाले नहीं हो क्या? कौओं की तरह गंद करने वाले भी हैं। वो कहाँ ले जाते हैं? वो जितमानी तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं, चलो दिखाए तुमको सुखधाम शांति धाम, तुम रूहानी यात्रा कराते हो। शास्त्रों में आया हुआ कि है पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट, यादव गवर्नमेंट, क्या करते भाई? ये इस समय की बातें हैं, इस समय की संगम, ये तीन गवर्नमेंट तब होती है जब महावारी महाभारत लड़ाई शुरू होनी होती है। अभी ये लड़ाई सिर पर खड़ी क्या? ये इस समय की बात है और अनेकों धर्म है और दुनिया भी तमो प्रधान है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया, तो जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन कौन से धर्म का होता है? कौन से धर्म का होता है?
आज सनातन देवी जी का धर्म का फाउंडेशन होता है, तब कोई दूसरे धर्म नहीं होते हैं। अभी तमो प्रधान का है तो अनेक धर्मों का फाउंडेशन लगा हुआ है। पहले पहले सचिव में थोड़े ही इतने ढेर सारे मनुष्य होंगे, बाद में जब और धर्म आते हैं तो वृद्धि को पाते हैं। पहले थे सतो प्रधान, अभी है तमो प्रधान, ये बातें किसी को भी पता नहीं। चाहे बाहर की दुनिया की बात हो और चाहे अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो, पहले थोड़े होते हैं फिर तमो प्रधान बनते हैं तो उनकी संख्या बहुत हो जाती है, वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, स्टूडेंट्स में कोई अच्छे समझदार होते हैं, अच्छी धारणाएं करते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कराने का शौक होता है, अच्छे से धारण करते हैं, कोई नीचे धारण करते हैं, कोई डर क्लास, कोई बोर्ड क्लास, प्रदर्शनी में तो रिफाइन की समझाने वाली चाहिए। जो ज्ञान की बातों को रिफाइन करके समझाए, पुरानी पुराने तरीके से पुरानी पुरानी बातें ही सुनाते रहते हैं, उसको रिफाइन ज्ञान थोड़े कहेंगे। तो पहले पहले तो कोई को यही बताना है कि तुम्हारे दो बात हैं, एक लौकिक एक बात, एक है देह का बाप पारलौकिक बाप और दूसरा है हद का बाप लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा बेहद की बात तो मिलता है, भारत स्वर्ग था, आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी फिर नर्क बन गया। तो बाबा कौन से स्वर्ग की याद दिलाते हैं? 5000 वर्ष पहले, पहले मैंने संगमनिधि स्वर्ग की बात बताते हैं, जो चढ़ती कला कही जब से कृष्ण का जन्म होगा तो उनके कावड़ दर्शन के बाद उतरती कला शुरू हो जाएगी। वो लक्ष्य नहीं देते, उससे भी वो क्या लक्ष्य कौन सा है? कराती से कल्याण कल्पान तक आई ऐसा जो पार हेवनली गॉड फादर कहा जाता है उनको जो स्वर्ग के रचयिता है। भारत स्वर्ग था, जो अभी नरक बना है इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अभी भी क्या नहीं होती है, क्यों लगा दिया है? ज्ञान भी पहले पहले अभिविचारी होता है और बाद में ज्ञान भी विविचारी, अनेकों की बातें सुनते हैं, अनेकों की बातें धारण कर लेते हैं तो ज्ञान भी विचारी हो जाता है। पहले पहले एक से सुनते हैं, जब नए नए ज्ञान में आते हैं चाहे एडवांस में चाहे बेसिक में, पहले पहले एक की बातें धारण करते हैं और बाद में अनेक मतें सुनते सुनते विविचारी बन जाते हैं। ज्ञान की विविचारी और आप विविचारी होता है। तो अभी फिर बाबा कहते हैं कि एक से ही सुनो, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। ये अविविचारी ज्ञान है और कोई से जो सुनेंगे वो सब झूठ और ईविल बातें ही बता देंगे। बाप अभी तुमको सच्चा सुना करके सच्चे बन का मालिक बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईविल बातें सुनते सुनते तुम कनिष्ठ बन गए, कनिष्ठ माना नहीं था, इतने ढेर मनुष्य हैं
वो सारा झूठ ही झूठ सुनते रहते हैं। पहला झूठ कौन सा सुनाते हैं? परमात्मा तरफ जाती है। तुम उनको कितना भी समझाओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है, और खास संगमों में तो जरूर एक व्यापी है, कोई किसी में नहीं बैठे। वो फिर भी कहेंगे क्या मेरे में है तेरे में है, मैं भी ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मास्मि, शिवो अहम, आत्मा ही तीनों पार्ट बजाती है, ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती, विष्णु का भी पार्ट बजाती, शंकर का भी पार्ट बजाती, हम सब ब्रह्म विष्णु शंकर नंबर वार। तो सत्यमूर्ति शिव हो गए, सबसे बड़ा झूठ बताते हैं गीता का भगवान सत्य क्या गीता का भगवान कृष्ण है, और ये कब से झूठ झूठ बताते चले आ रहे हैं। वैसे कब से शुरू हुआ ये कि स्थापना के साथ साथ ये भी बोले थे विनाश वाला भजन तो हुई ये कि आज से ही द्वैत भी बुझे प्रजा पिता अलग हो गया और ब्रह्मा अलग हो गए, सूर्यन की आत्माएं अलग हो गई और चंद्रमा की रहवरी में चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धिवंशी, क्रिश्चियनवंशी सारे ही इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि जो गीता माता थी वो भी किसके कंट्रोल में चली गई? गीता माता के दिल पर भी ब्रह्मा की छाप पड़ गई, कृष्ण की छाप पड़ गई, दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना, तो गीता माता के दिल पर भी कृष्ण बच्चे की छाप पड़ गई। बाप भूल गया घर बाप चला जाए कोई परवाह नहीं, कितना साथ दिया ब्रह्मा का साथ दिया, तो दूसरे धर्म की आत्माओं ने भी किसका साथ दिया? जगत की अम्मा ही ब्रह्मा का साथ देती है, तो सारी ही मनुष्य आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म की किसका साथ देती है? ब्रह्मा का साथ देती है, ब्रह्मा का साथ देती है। तो उस समय से जब गीता के ऊपर कृष्ण की छाप लग जाती है, कृष्ण गीता का भगवान हो जाता है, तो डुप्लीकेट पर भी छाप हो जाता है। स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार हुआ पराधीन, वो क्षणभंगुर होता है या लंबे समय का होता है? क्षणभंगुर, ये तो शान पाकिस्तान की लड़ाई हुई उसका वो डुप्लीकेट स्वर्ग है। बात अटकती हो पुरुषार्थ जीवन में, काल अस्थि बुला रहे? अरे काल अस्थि में जाएंगे, कहीं काल आ जाए तो बाबा कहते हैं सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, कन्या माता ने पवित्र है, कन्या माताएं सब नंबर वार पवित्र है, लेकिन भगवान आता है, शूपल का पूतना कोई कोई है, सब नहीं है, और पुरुष सब वन टू वाल ए टू जेड सब पुरुष दुर्योधन, लेकिन भगवान आता है पुरुष का है, पुरुष जैसा बनने का कारण क्या है?
बाप पतित से घृणा करता है या पतितों को आकर के पावन बनाता है, प्यार करता है? पतितों को पावन बनाता है, आता है उनके नजदीक आता है तो उनसे घृणा करता है या प्यार करता है? प्यार करता है, पतितों से घृणा नहीं करता। और सन्यासी, सन्यासी क्या करते हैं? पतितों से घृणा करते हैं। तो बाप में अंतर है, बाप सच्ची बात कहने वाला है तो पतितों से घृणा नहीं करता लेकिन झूठ से घृणा करता है। बाप को सच्चाई प्रिय है तो पतित बच्चे अप्रिय नहीं है, लेकिन जो पतित बच्चों में सच्चे सच्चे बच्चे हैं वो बाप को प्रिय है। जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिल बाप को देते हैं, इसलिए बोला है कि अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। माना देवान के कारण अपना पूरा सच्चा पोता मेल बाप के सामने देते नहीं है। एक है जो 100% अपना पूरा सच्चा पोता मेल बाप के सामने रख देता है। तो ऐसे सच्चे बच्चे बाप को प्रिय। बाप का बच्चा होगा तो अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, समय संबंध संपर्कियों का सारा पोता मेल देता होगा। तो क्या बात क्लियर हुई? कन्याएं माताएं दुर्योधन दुशासन सुपन खान सबको नहीं कहा, और पुरुष सबको दुर्योधन दुशासन कहा, फिर भी पुरुष तन में परमात्मा क्यों आता है? किस लिए आता है? हैं? क्या कारण बताया? पुरुष तन दुर्योधन दुशासन है, फिर भी उस दुर्योधन दुशासन में परमात्मा क्यों आता है? अरे पवित्र कन्या के, पवित्र ऋषि मुनि के तन में क्यों नहीं आता है? पवित्र कन्याओं के तन में, पवित्र ऋषि मुनि के तन में आना चाहिए, उनके तन में नहीं आता। पतित तन में आता है, क्या खासियत देखी? वो खासियत फिर भूल गई। नहीं, प्रवृत्ति मार्ग वाले तो बहुत है हिंदुस्तान में, तो ढेरों प्रवृत्ति मार्ग वाले। सच्चाई, बाप सत्ययुग स्थापन करने वाला है। बाप को सच्चा पातशाह कहा जाता है, सच्चा बाप है, ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। तो सत्य बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। जो सच्चे बच्चे होते हैं वो बाप को अति प्रिय है, सबसे ज्यादा सच्चाई प्रिय है। इसलिए भले कितना भी पतित हो लेकिन क्या हो, है? बाप के प्रति सच्चा हो। दुनिया के सामने, दुनिया की नजरों में भले झूठा हो लेकिन बाप के सामने सच्चा हो, तो बाप को बहुत प्रिय। और बच्चों के रूप में 4.5 लाख जन्म लेने वाले आएंगे, वो सभी चंद्रवंश से आएंगे? बिल्कुल चंद्रवंश से आएंगे, बिल्कुल ज्ञान चंद्रमा की और संतान होंगे, ज्ञान चंद्रमा के सच्चे बच्चे होंगे। उनमें इस्लामियों वाला बच्चा कोई नहीं होगा, इस्लामियों की औलाद कोई नहीं होगा, सब मम्मा बाबा को प्यार करने वाले होंगे। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और ओम राधे सरस्वती, ये दो ही उनकी बुद्धि में समाये हुए होंगे, और कोई
इस्लाम धर्म का, मुस्लिम धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का मुखिया उनकी बुद्धि में नहीं समाया हुआ होगा। वो 4.5 लाख सचिव की याद में और राधा कृष्ण तो जैसे बच्चों के साथ जन्म लेंगे। और बाबा कहते बैठो, बाबा कहते हैं कि मुझे सर्वस्टेबल बच्चे बहुत प्रिय हैं। बाबा कौन से बच्चों को याद करते हैं? सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको याद नहीं करते हैं। तो कैसे याद करते होंगे? आंखों से याद करते होंगे हैं? इन दो नेत्रों से याद करते होंगे? कैसे याद करते हैं है? अरे तीसरे नेत्र से याद करते हैं ना। तो तीसरे नेत्र की दृष्टि लेनी है वो ऊंची है या ये ना विनाशी आंखों की दृष्टि लेनी है? है ये विनाशी आंखों की जो दृष्टि है वो तो अल्पकाल की है, और जो सर्वसेवन बच्चे हैं उनको तो बाप सदाकाल याद करते रहते हैं। तो सदाकाल की तीसरे नेत्र की दृष्टि जिन बच्चों को मिलेगी वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये इन आंखों से 2-4 सेकंड बैठ करके याद दृष्टि ले ली वो ज्यादा फायदे में रहेंगे है? ये दृष्टि तो उनको दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि सुबह से शाम तक अपने धंधे धोरी में लगे रहते हैं, सारा दिन याद ही नहीं करते, तो इनकी आंखों को इनकी दृष्टि को पकड़ करके बैठ करके इनको याद दिलाओ। ये दृष्टि कोई जरूरी नहीं है उतनी, लेकिन बाप की जो कृपा दृष्टि कही जाती है वो है सर्वसेवन बच्चों को मिलने वाली। और वासुदेव के बारे में प्रश्न है। वासुदेव है चार पैर भाई बहन है? भाई बहन नहीं है वासुदेव, चार पैर नहीं। ये बात बुद्धि में गलत बैठ गई। हस्तदेव जो है वो रुद्रमाला के मणके हैं या विजयमाला के मणके हैं? है? रुद्रमाला आपस में भाई भाइयों की माला है या भाई बहनों की माला है? है? भाई भाइयों की माला है, तो वहाँ भाई बहन की बात नहीं है। हाँ, स्त्री चोला और पुरुष चोले के हिसाब से कहा जा सकता है, हैं? तो जोड़े होने की बात नहीं है क्या? जोड़े होने की बात नहीं है। और वो अष्टदेव हैं, अष्टदेव वो हैं जो नंबरवार जिनमें फिनिशिंग आठ नौ धर्मों के अंतर से कम पड़ जाती है, क्योंकि आखिरी जन्म में वो बाप से बिछुड़ जाते हैं और कोई न कोई धर्म में प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए वो फिनिशिंग में कमी पड़ जाती है और उनके नंबर बन जाते हैं। तो चार जोड़े हैं, तो चलो भाई बहन के रूप में चार जोड़े दैहिक रूप में बन लिए। हाँ, उसके बाद उसमें छह है, बाकी छह है। उसमें दो महिले बाप और खाने वाले माता। दो पहले माना एक बाप असल सूर्यवंशी और दूसरा जो आखिर में जा करके अंतिम जन्म में जाके चंद्रवंश से प्रभावित हो जाता है।
माना थोड़ा सा स्लाइट अंतर, 84 जन्मों में से एक जन्म का अंतर चंद्रवंश का प्रभाव पड़ जाता। तो यूं कहें कि वो जो अंतर पड़ता है वो अंतर फेंसिंग के हिसाब से उसको चंद्रवंशी में ले जाता। ऐसे तो 83 जन्म के पक्के हैं। क्या है पक्के? 83 जन्म के अष्टदेव कौन से धर्म के पक्के हैं? सूर्यवंशी है, लेकिन आखिरी जन्म में हार खा जाते हैं। हाँ, दो तो हो गए उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बाकी छह। हाँ, बाकी रह गए छह। तो छह जो है वो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। हाँ, सिख धर्म में प्रभावित हो जाते हैं आखिरी जन्म। हाँ, उसमें कौन कौन भाई बहन वो पहले उसमें बाकी छह में कोई भाई है कोई बहन? जो लेफ्ट साइड के हैं वो सब पावरफुल हैं इसलिए भाई हैं, और जो राइट साइड के हैं वो सब बहन हैं। भारतीय धर्म, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, ये सब ऐसे धर्म हैं जो बाई ओर के धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरे धर्म के धर्म पिता है सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को छोड़कर, दूसरे धर्म के जो धर्म पिता है वो सब निवृत्ति मार्ग वाले, माने प्रवृत्ति में पक्के नहीं रहते। आज एक प्रवृत्ति है तो कल दूसरी प्रवृत्ति है। कोई भी जो उस धर्म में कन्वर्ट होंगे उनके अंदर संग करंग आ जाएगा। पलट दीजिए, बदल दिया। हाँ, और नव धर्मों के धर्म पिता नारायण के रूप में प्रवेश करते हैं ना? नौ धर्मों के नौ धर्म पिताएं नारायण का धर्म पिताएं नहीं है, वो धर्म की माताएं हैं। क्या? आधर्मों की माताएं। हाँ, धर्म पिताएं जो हैं जिनमें प्रवेश करते हैं पिता जो है वो माता के दिल और दिमाग पे छा जाता है, दिल और दिमाग में प्रवेश कर जाता है, तो इसलिए वो आधार है। जैसे बीज है पिता और बीज धरणी में प्रवेश कर जाता है, तो वो जो बीज धरणी में प्रवेश कर जाता है उस बीज को धारण करने वाली धरणी माता कही जाती है। तो वो धर्म की माताएं हैं जो शरीरधारी देखने में आते हैं। वो सभी नारायण बनने वाले हैं। नारायण बनने वाले हैं नौ, एक संगम युग का और आठ सत्युग के। आखिरी धर्म वाले हैं ना, वो भी प्रवेश करके धर्म स्थापन करते हैं ना? जो नास्तिक धर्म का है वो भी प्रवेश करता है, लेकिन वो मानता नहीं है किसी को। मानता नहीं बाबा, आधार मूर्ति कहाँ से आती है? वो भी यहीं से आता है, संगम युग से। हाँ जी, क्योंकि संगम युग में नास्तिक भी है बहुत तेरे, नास्तिक है और सत्युग में भी वो नास्तिक धर्म की आत्माएं प्रजा वर्ग में आती है। ऐसे नहीं कि प्रजा नहीं बनती है, आखिरी जन्म में प्रजा वर्ग में आएंगी, लेकिन वो किसी को मानेंगी नहीं, और वही आत्माएं
कलयुग के अंत में जब आती है तो उनमें वो लेनिन स्टालिन को प्रवेश करते हैं, राजा ही नहीं पाते क्योंकि राजाई का वर्षा बाप से मिलता है, न वो निराकार बाप को मानते न वो साकार बाप को मानते, निराकार शिव को नहीं मानते इसलिए स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता, संस्कृति का वर्षा नहीं मिलता, और वो साकार जो एडम आदम है आदिदेव है उसको भी नहीं मानते, इसलिए उनको जो विकारी सृष्टि है द्वापर कलयुग की उसमें भी राजाई का वर्षा नहीं होता, वो प्रजा के प्रजा में ही रह जाते, प्रजातंत्र राज्य को ही ऊंचा समझते हैं। फिर आपका प्रश्न क्या है, आप पूछना क्या चाहते हैं? बाप आता है बड़े से बड़े नास्तिक में, बनता नास्तिक में बनता है बड़े से बड़े आस्तिक, बड़े से बड़ा आस्तिक बनाने के लिए। बाप आता है कामी काटे में है बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए, फिर नास्तिक कैसे बन कब बने हैं? वो तो सबका बाप है ना, कोई ऐसा मनुष्य है जिसका बाप न हो? वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, देवात्माओं का भी बाप है तो राक्षसों का भी, राक्षसों का भी बाप, सूर्यवंशियों का भी बाप है तो नास्तिक वंशियों का भी बाप है, इसलिए उसको तो सांप का बाप बन करके पाठ बजाना है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, क्यों? क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, इसलिए सबका बाप चाहिए सबको सुधारने के लिए। कन्या परमेश्वरी कन्याकुमारी दोनों को पूजा योगी बंदी है ना वो दोनों मैथिली देवता गायन हो जी। एक को लक्ष्मी कहते हैं एक को महालक्ष्मी कहते हैं, एक को ब्राह्मण कहते हैं एक को महाब्राह्मण कहते हैं, क्या ऐसे ही लक्ष्मी और महालक्ष्मी, नारायण और महानारायण, तो जो दो का गायन है दो देवियों का, उसने एक का मुरली में नाम बोला है कुंवारी कन्या और दूसरी का नाम बोला है क्या बोला है? अधर कुमारी। दोनों की पूजा होती है, अधर कुमारी माता जो माताएं बन जाती है, माताएं बनती है विकारी बन जाती है, फिर बाप की बन जाती है तो निर्विकारी बन जाती है, जिनके लिए बाबा कहते हैं कि माताओं को भी मैं कन्या बना देता हूँ, क्योंकि माताएं जब ज्ञान ले लेती हैं ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है प्रैक्टिकल जीवन में उतर आती है तो कन्या बन जाती है, तो वो पूजी जाती है, उनकी वो पवित्रता पूजी जाती है। पतित बनने के बाद पावन बनना मुश्किल होता है या पावन को पावन बनना मुश्किल होता है? ज्यादा पुरुषार्थी कौन हुआ? पतित को पावन बनने वाला, जो पतित बन चुके हैं उनको पावन बनना बहुत मुश्किल होता है, और जो कुंवारी कन्याएं हैं ही पवित्र उनको अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं है, तो उनको पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जो है ही देवता उस देवता को देवता बनने में कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है,
लेकिन जो देवता से नीचे उतर करके राक्षस बन गया उसको राक्षस से देवता बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए विष्णु देवता कहा जाता है, विष्णु नौ विषयकाल, कोई जन्म में उस वैष्णव देवी में विषय विकार का विविचार का अंश मात्र नहीं आने पाता। उसका नाम ही है पार्वती। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुमारी। मेरी जन्म जन्म की ये प्रतिज्ञा है क्या कि या तो मैं शंभु को वरण करूंगी, शंभु को पति बनाऊंगी, या तो मैं कुंवारी रहूंगी। तो हर जन्म जन्म का एक पति हुआ या अनेक पति हुए? एक पति हो गया। तो जिसका जन्म जन्म का एक पति होगा उसमें जन्म जन्म की प्योरिटी की पावर समाई हुई है। इसलिए उस आत्मा को एडवांस ज्ञान में शुरू में आना चाहिए या बाद में आना चाहिए? हैं? ये नियम बना हुआ है, उनको एडवांस ज्ञान में बाद में आना है, क्योंकि वो तो है ही पवित्र। आपका तो गांव का ही नाम है तिरुपति है, दो पत्नियों की कथा प्रसिद्ध है, हाँ तीरे भी होती है वो माया बेटी होती है, वो बेटी होती है पत्नी नहीं होती है। ओ कालस्ती क्यों बार बार बुलाते हो? ओ कालस्ती से तो सबको काल से डर लगता है। तिरुपति में आओ, तिरुपति में सारी दुनिया तिरुपति में आती है, आप कालस्ती में बुलाते हो। तिरुपति में कितनी भीड़ लगती है? शंकर को काल हस्ती में बुलाओगे तो महाकाल का रूप धारण कर लेगा, फिर सारा खेल खलास हो जाएगा। बाहर लगता है कोई आत्मा सर के ऊपर बैठी होगी है? झटका से भगा दो है। स्थिति की शान में नहीं रहती इसलिए परेशान होती है, सही स्थिति में नहीं रहेगी तो दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। दूसरी आत्मा कब प्रवेश करती है? जो अपनी आत्मा के चिंतन में नहीं रहता, ज्यादा देहभान में रहता है तो उसके ऊपर दूसरी आत्मा सवार हो जाती है। अपनी आत्मा की याद में रहा करो तो दूसरी आत्मा नहीं आएगी। इसी में देखा है काली बिंदी दिखाई पड़ती है, है? सफेद बिंदी भी याद किया करो। अच्छा है, है?
अयोध्या में कब आए? रावण को वध करने के बाद 14 साल के बाद अयोध्या में आ गए। अयोध्या माना जहाँ युद्ध नहीं होता। और अभी तो क्या हो रहा है? अभी तो युद्ध हो रहा है। जब युद्ध होना बंद हो जाए, नई दुनिया की सौगात मिल जाए, तो समझ लो 14 साल हमारे पूरे हुए। स्वप्न में बाबा आता है और स्वप्न में बाबा आता है और जागते में भूत आता है। सपने में निद्रा में बाबा आता है और जागृत अवस्था में देवान रहता है, इसलिए भूत आता है। नहीं बाबा क्या स्वप्न में आता है ना? तो सो जाती है, तो उस समय तो आत्मा सो जाती है ना? तो इसलिए उस समय बाबा याद आता है और जब जगते हैं तो देवान आ जाता है। तो देवान के ऊपर आत्मा सवार हो जाती है। और बोलो बोलो तेलुगु में बोलो। तेलुगु में चप्पू अरे घर जाने दो, रुको मत। हाथ बाबा पढ़ेंगे फिर क्या करना है? मुरली क्या पढ़ते टीवी देखते टेप रिकॉर्ड करना पड़ते सुनना पढ़े क्या पढ़ते हैं बाबा के? मुरली क्या पढ़ ले सकते हैं? रेडियो तो भी टीवी तो भी देखना बाबा को చదువు బాగా చదువు లేదు కదా టీవీ చూడాల్సి अभी तो पढ़ने की और लिखने की दरकार ही नहीं और किसी से सुनने की भी दरकार नहीं। अभी तो एक से सुनना है, तो एक से सुनाई हुई बात को तो टेप रिकॉर्ड और VCD और DVD और TV अच्छा सुनाता है, तो वही सुना करो। वही सुना करो। अरे दूसरे आदमी बाबा पूछो को बोले तब पूछे बाबा को क्या पूछो? तुम तो मुरली पढ़ी है, मुरली में तो बताया है कि सन्मुख सुना तो फर्स्ट क्लास और कागज में पढ़ा और जो टैप रिकॉर्ड में सुना वो सेकंड क्लास। तुम सेकंड क्लास मान लो, फर्स्ट क्लास मान ले लिया आज, और क्या चाहिए? ముగ్గురు అమ్మలు కదా మహాలక్ష్మి సరస్వతి మహాకాళి ఆ తీరు వైష్ణవి అంటే ముగ్గురు అమ్మలు మొదలుపెట్టమంటారు మహాలక్ష్మి మహాకాళి మహాసరస్వతి వాళ్ళు సాకారంలో तीन माताएं हैं। तीन माताएं कौन कौन? महाकाली है, महागौरी है ना,
जब महाकाली है तो महागौरी भी है, फिर कोई बीच वाली भी है, है सरस्वती है। महागौरी महाकाली మధ్యలో సరస్వతి మరి సరస్వతి ఎవరు మనం తెలుసుగా మహాగౌరి ఎవరు రాబోయే రాబోయే మరి ఈమె మహాకాళి ఎవరు బాబా అన్ని విడిచినప్పుడు జగదంబ ఈ మహాకాళి బంతి మహాగౌరి అలగ్ और फिर बीच में सरस्वती है, तीन देवियां हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शंकर के साथ पार्वती। और माता ने बता रही है गायत्री माता को पांच से दिखाई देती है, गायत्री को पांच से दिखाते हैं। नहीं पांच बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं लेकिन नाम क्या है? गायत्री। तीन का गायन है, गाय माना गायन, त्री माने तीन, तीन देवियों का गायन है वही गायत्री। हाँ जी चित्र में है पांच, अरे चित्र तो ढेर के ढेर मनुष्यों ने बनाए दिए, कोई को पांच पत्नियां रही होंगी तो उन्होंने पांच बना दिए है। तिरुपति वालों की तो बुद्धि बहुत चलनी चाहिए है? है? शंकर को जो पांच सिर दिखाए हैं वो ब्रह्मा के ही पांच मुख हैं, पंचानन जिसको कहते हैं, वो कोई दूसरे नहीं है। जो ब्रह्मा है सो विष्णु बनता है, वही ब्रह्मा बीच में प्रवेश करता है तो शंकर का रूप है, शंकर माना मिक्स। రాము గారి జంగిల్ లవ్ కూర్చున యుద్ధం చేస్తారు కదా ఇద్దరు లవ్ కూర్చున్న అంటే రాముల వారి పైన అప్పుడు ఈ అంటే గాయమే గాయమే అంటే గుర్రము జంగిల్ మే అడిగి తీ తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధం చేస్తారు కదా ఆ లవ్ కూర్చుని ఎవరు యుద్ధం చేసేది युद्ध किया? हाँ लवकुश, लवकुश ने युद्ध किया। लवकुश कौन है? कौन है? तो जो इस्लामी है, जो इस्लामी बच्चा है, राम के तीन भाई है ना, उनमें से जो दो भाई हैं उनमें एक है इस्लामी का बीज और एक है क्रिश्चियन का भी, एक प्यार का पार्ट बजाता है, भले देह का प्यार करता है, क्या देह का प्यार करता है लेकिन प्यार का पार्ट बजाता है, इसलिए वो है लव। लव माना प्यार का पार्ट बजाने वाला, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता ज्यादा लेकिन प्यार का पार्ट बजाता है। और दूसरा है कुश, कुश माने कांटे जैसी एक घास होती है, उसका नाम होता है कुश, कुश माना कांटा, क्या वो कांटा जो है वो एटम बम बनाता है, एटम बम बना के सारी दुनिया को दुख देता है, तो कांटे का नाम रख दिया उसका लव। और कुश कुश माना काफी, दो बीज पाठ में है और
जो माँ है उसका काम है माता का, माता जो है वो बच्चों की परवरिश करेगी कि बाप की परवरिश करेगी? माँ जो है वो बाप की परवरिश करेगी, बाप की पालना करेगी या बच्चों की पालना करेगी? बच्चों की पालना करेगी। यज्ञ के आज में भी ब्रह्मा दादा लेखराज ने बच्चों की पालना की या पति बाप की पालना की? है बच्चों की पालना की। और अभी अंत में भी जो जगदम्बा है वो जगदम्बा पहले इस्लामी बौद्ध इस्लामी और क्रिश्चियन जो लव और कुश बच्चे हैं उनकी पालना करेगी या बाप की पालना करेगी? बाप को प्यार करेगी। बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो माँ बच्चों को प्यार करती है या पति को प्यार करती है? बच्चों को प्यार करती है। वही परंपरा चली आ रही है। तुम जाओ बाण शक्ति हो जाओ, जाओ जंगल में चले जाओ। मैं रावण में लक्ष्मी कौशल्या सुमित्रा कैसे तीन में मिलकर राम जी लोग थे वो अपने वनवास में गए अलग वास में इसलिए भी जा रहे हैं। कौशल्या सुमित्रा कैसे तीन जन मिलकर राम बाप को जंगल को जाए ना? कौशल्या ने दोनों भेजा है कई कई, जिसको कई कई पति थे उसने भेजा होगा है? जिसको एक हो वो थोड़ी भेजेगा, जिसकी बुद्धि बिखरी हुई होगी, जिसको एक बाप दूसरा ना कोई, एक राम बाप में जिसकी बुद्धि लगी हुई हो वो काय के लिए जंगल में भेजेगा? जंगल में कौन भेजता है? है असुरों का संहार करने के लिए जंगल में भेजा जाता है। तो कौशल्या ने भेजा क्या? कई कई ने भेजा, निमित्त कह के ही बनती है और मंथरा दासी बनती है। तो दास दासी बनने वाली आत्माएं हैं वो जंगल में भेजती है। हो गया? हाँ हाँ बोलो। संसार में लाश खाने के लिए चलती है वो बीम से अंदर जाने की ना मानते द्रौपदी। अरे वो कथाएं तो सब एक ही हैं, चाहे हरिश्चंद्र राजा की कथा समझ लो और चाहे भीमसेन की और द्रौपदी की कथा समझ लो, हैं तो सारी एक ही कथाएं हैं। हरिश्चंद्र की जो कथा है उसमें तारामती शमशान घाट में जाने के लिए वो रोकता है कि तेरे को हम बच्चे को दफन नहीं करने देंगे, ऐसे ही भीमसेन उसको रोक देता है। सारी कथाएं अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बुद्धि से लिख दी है। हाँ अब तुम टीवी में देखते हो उनको, बाबा कहते हैं ये मनुष्यों ने सब किस कथा कहानियां लिखी है, इन कथा कहानियों में बुद्धि जाएगी तो बुद्धि सारी बह जाएगी इधर उधर। है बुद्धि जानी चाहिए किसमें? जो बाबा ने शास्त्रों का सार बताया है। क्या बाहर की दुनिया के शास्त्रों का सार बताया मुरली में और मुरली का सार बताया एडवांस ज्ञान में, तो बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? है एडवांस ज्ञान में रहनी चाहिए, मुरली के महावाक्यों में बुद्धि रहनी चाहिए। इधर उधर चारों तरफ टीवी ईवी के चक्कर में फंसा होगा सारी बुद्धि बह जाएगी। और बस हो गया।